तो एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, ये सैमसंग का 24 इंची का एलईडी है, UA24H4003ARMXL। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, साउंड का प्रॉब्लम है। पहले हम रिमोट से इसको ठीक करेंगे, ठीक है। इसमें ये देखिए, ये वाला मेन पीस भी है, तो अभी तक इसको ओपन नहीं किया है। अगर हमारा रिमोट से अगर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोगों को अंदर खोल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे ठीक होता है वो पूरा वीडियो आप लोग देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसको मैं पावर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने पावर इसका ये ऑन भी कर आ दिया। गया। देखिए इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको साउंड बढ़ा के आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये साउंड एकदम 100%, देखिए एकदम 100% बढ़ा हुआ है, ठीक है। 100% बढ़ा हुआ है। ये घटा के एक बार दिखा देते हैं और एक बार बढ़ा के दिखा देते हैं, ठीक है। और इसका जो सेटअप बॉक्स का साउंड है, ये टीवी का साउंड तो आप देख चुके हैं, तो सेटअप बॉक्स का भी देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये भी मेरा 25 है, मतलब ये 25 तक ही 100% है, ठीक है। थोड़ा घटा के दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे घटता है, घट रहा है और ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए पहले हम इसका जो मेनू है, मेनू को प्रेस करेंगे और नॉर्मल जो एक रीसेट होता है वो रीसेट करेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए रीसेट सेल्फ डायग्नोसिस में भी आपको मिलेगा। तो इसमें हम गए और देखिए, इसमें रीसेट एकदम डायरेक्ट रीसेट है। पिक्चर रीसेट भी होगा और साउंड रीसेट भी होगा, ठीक है। तो साउंड रीसेट और पिक्चर रीसेट पूरा फुल रीसेट करने के लिए इसको हम ऑल सेटिंग हैव बीन रीसेट, द टीवी विल नॉट टर्न ऑफ एंड अगेन, ये लिखा आ गया। अभी टीवी अपने आप ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसका रेड लाइट जल गया है। तो इसको हम पावर से एक बार प्रेस कर दिए रिमोट से, तो ये फर्स्ट जैसे नया टीवी स्टार्ट करते हैं उस जगह से आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा नहीं। तो ये देखिए, ये पहले जो नए टीवी में ये सेटिंग करते हैं ना, इंग्लिश होम यूज एशिया, और इसको हमारा तो सर्चिंग वाला अभी काम ख़त्म हो गया है, ये मंथ डेट अभी हम सेटिंग नहीं कर रहे, और इसको हम ओके कर देते हैं। उसके बाद में हम इसको शॉर्ट को प्रेस करेंगे, तो ये भी मैं कर दिए, ठीक है। तो एक बार साउंड बढ़ा के देखते हैं, साउंड 0 से आ जाता है। तो देखिए इसमें कोई भी साउंड नहीं आया है, ठीक है। तो इसको हम एक बार सर्विस मोड में जाके रिसेट मारेंगे। सर्विस मोड में अगर रिसेट से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको खोल के देखेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए, सर्विस मोड में आपके पास में अगर फैक्ट्री रिमोट है तो ठीक है, नहीं तो पावर मेनू म्यूट प्रेस करने से ही हो जाएगा, ठीक है। मेरा तो फैक्ट्री वाला है, तो हमको पहले इंफो प्रेस करना है, पहले इंफो, और ये हो गया फैक्ट्री, इंफो इंफो और फैक्ट्री। ये देखिए दोस्तों, इंफो के और इसके बाद में फैक्ट्री। तो दोस्तों इससे हो नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, तो एक बार ट्राई करके एक बार और देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया, ठीक है। इसके बाद में हमको करना क्या है, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन में हम लोगों को आना है, ऑप्शन में ओके करेंगे, और देखिए ये फैक्ट्री रीसेट आ गया है, ठीक है। तो हमको इसको फैक्ट्री रीसेट को एक बार कर देना, ठीक है। तो ये ऑल रीसेट हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर दिक्कत होगा तो इसमें साउंड आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर साउंड आईसी वाईसी का कोई प्रॉब्लम होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम एक बार इसको एक बार और ऑन करके देख लेते हैं, अगर आ जाता है तो ठीक है। ये देखिए फर्स्ट जैसा ही आ गया, इंग्लिश कर देते हैं, होम यूज कर देते हैं, इसको भी ओके करते हैं, और इसको मेनू को ओके करते हैं, और इसको एक बार ओके करते हैं, इसको एक बार और ओके, एक बार और ओके, ठीक है। तो इसके बाद में सोर्स, तो दोस्तों देखिए इसमें साउंड
कुछ भी नहीं आया, ठीक है, साउंड कुछ आया नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप है, अगर हम लोग इसको नहीं करेंगे तो क्या होता है, कभी कभी रीसेट से भी साउंड आ जाता है, तो रीसेट से जैसे आया नहीं तो हमको इसको ओपन करना है, तो ओपन मैं कर लेता हूँ और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डस्ट से कितना भरा हुआ है, ठीक है, पूरा एकदम खचा खच भरा हुआ है, ये पावर है और इसका ये देखिए मैन आईसी है, मतलब मैन बोर्ड है, और ये देखिए इसका साउंड आईसी है। कुछ जला वाला हम देखेंगे, लेकिन इसको पहले हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में ही इसको काम करेंगे, ठीक है। तो ये साफ़ मैंने कर दिया है, तो इसके बाद में हमारा फर्स्ट काम क्या है कि इसका स्पीकर हम चेक करेंगे। तो स्पीकर चेक करने के लिए इसका जो जैक है वो हटा लेते हैं पहले, और मीटर का जो प्रॉप है उसको हम हाथ में ले लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अभी स्पीकर में तो बीप साउंड दिखा रहा है, ठीक है, ये देखिए 19 ओम्स के आसपास आ रहा है, दोनों को ही एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये भी 19 ओम्स के आसपास आ रहा है, इसका मतलब है इसका स्पीकर ठीक है। तो इसमें साउंड आईसी का वोल्टेज वगैरह हमको चेक करना है, ठीक है। तो इसका साउंड आईसी का जो कितना वोल्टेज आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब हम एक बार चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। हो सकता है कि इसका साउंड आईसी भी ख़राब हो सकता है, तो अगर साउंड आईसी ख़राब होगा तो ये देखिए मैंने इसका पावर का कनेक्शन कर दिया और इसका वीडियो कनेक्शन भी कर दिया है, ऑडियो को भी कर दिया है, ठीक है। तो हमको क्या है कि एक बार वोल्टेज चेक कर लेना है, और वोल्टेज चेक करने के बाद में हमको देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए ये जो कॉयल है, तो इस कॉयल पे 12 वोल्ट आ रहा है, मतलब साउंड आईसी को सप्लाई तो आ रहा है, ठीक है, दोनों साइड में ही सप्लाई आ रहा है, इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों साइड में सप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो हम स्पीकर पे एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, स्पीकर पे कितना आ रहा है। तो स्पीकर पे 2.6 आ रहा है, और चारों पिनों में 2.6 करके आ रहा है, ठीक है। तो अभी स्पीकर को एक बार कनेक्ट करके देखते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इसको कनेक्ट कर देने के बाद में एक बार वोल्टेज देख लेते हैं। तो इसमें ये वोल्टेज आ रहा है, तो हमको एक काम और करना है, ठीक है। तो एक काम हमको क्या करना है, ये जो सॉकेट होता है, ये हेडफोन वाला, इसमें भी कोई अगर दिक्कत आता है तो भी इसमें साउंड का दिक्कत आ जाता है, ठीक है। हम थोड़ा आईसी को हीट वीट देख लेते हैं, आईसी हीट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, हो सकता है कि इसका आईसी ख़राब हो, ठीक है। आईसी थोड़ा मुझे हीट ज़्यादा लग रहा है, अगर आईसी हीट थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, अगर आईसी ख़राब होगा तो हम आईसी भी लगा सकते हैं, इसमें मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, हर तरह का ऑप्शन होता है हमारे पास में। तो एक बार हम पहले देखते हैं कि हेडफोन हमारा कहाँ रखा हुआ, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हेडफोन भी मैंने एक बार कनेक्ट करके देख लिया, ठीक है, ये देखिए ये भी कनेक्ट करके देखा, लेकिन इसमें भी साउंड का कोई गुंजाइश नहीं आ रहा है हेडफोन में भी। तो इसका मतलब है हमारा 100% साउंड आईसी ही ख़राब है। तो ये वाला अगर आईसी आपके पास में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें आप कोई भी मॉड्यूल लगा सकते हैं, 24 वोल्ट 5 वोल्ट जो मॉड्यूल आपके पास में अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ये, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। इसमें जो ट्रिक मैंने बताया है, तो इस ट्रिक में क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो रीसेट करने से भी चला जाता है, ठीक है। तो पहले क्या था, वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो आप लोगों को मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। हाँ, एक वीडियो मेरे में है, मेरे चैनल पर है, तो वो मैं देखूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों इतना वीडियो वॉच करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसमें मॉड्यूल या आईसी कुछ भी लगाएंगे तो वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये मैं पूरा सेटअप दिखा दिया है कि कैसे सेटिंग मतलब चेक वेक करना है। ये जो लोग जानते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं था, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो है,
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।